नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, माता के कई रूप हैं और माता का हर रूप ही भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। वहीं उसकी छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी रूठ भी जाती हैं। इसलिए हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, हम तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाएं और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें, जो हम करते ही हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती हैं और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वो क्या काम हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखिए कि अनजाने में पहले कभी आपसे ये गलतियाँ तो नहीं हो रही थीं और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से आप माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे और सारे जतन करके भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचें और माँ की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती हैं, परंतु यदि आप कर ही रहे हो तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुँह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं इनसे हम भली भांति परिचित हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी ज़रूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। किसी की मदद करने से माँ यूं भी बहुत प्रसन्न होती हैं और ज़रूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी, और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती हैं, इसलिए यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर करें, अन्यथा माँ को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। पांचवी बात, इन दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनाएं और नाखून नहीं काटें, क्योंकि बाल और नाखून बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश जो हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए
तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती हैं और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज़्यादा तेल डालते रहते हैं। आठवीं बात, माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें, और अत्यावश्यक ना हो तो बीच में ना उठें और ना ही किसी से बात करें, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकेगा। नौवीं बात, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा हम किसी और वीडियो में सुनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दसवीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए, परंतु यदि उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।